आवास पर पीएम मोदी और अमित शाह की अहम बैठक, जेपी नड्डा भी मौजूद। भाजपा महासचिव राम माधव ने कहा, बहुमत होटलों में नहीं सदन में साबित होता है, हम तैयार हैं। शहीदों के परिवार को राहत, अब 3 महीने में नहीं खाली करना पड़ेगा घर। सीसीडी के स्वामित्व वाली कंपनी का कारखाना बंद, कई लोग बेरोजगार। भारतीय दर्शकों पर चला फ्रोजन 2 का जादू, 4 दिन में करी करोड़ों की कमाई। महाराष्ट्र को लेकर राजनीति हलचल, मुंबई से लेकर दिल्ली तक तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया है। इसके बाद सभी राजनीतिक दल एक्टिव हो गए हैं। दिल्ली में भी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस मामले में बैठक की। महाराष्ट्र मामले पर हो रही इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। भाजपा महासचिव राम माधव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुमत होटल में नहीं विधानसभा में साबित किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है, हम सदन में बहुमत साबित करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला देते हुए कहा कि बुधवार शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने की बात कही है। इसी के बाद राम माधव का ये बयान सामने आया। आपको बता दें कि मंगलवार शाम को ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बीजेपी के 105 विधायक और उनके साथ कुछ निर्दलीय विधायक बैठक करेंगे, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। एक्शन के दौरान शहीद होने वाले रक्षा कर्मियों के परिजन अपने उसी सरकारी आवास में 1 साल तक रह सकेंगे, जिसमें वो पहले से रह रहे हैं। अभी तक जवान की मौत के 3 महीने बाद तक सरकार की ओर से दिया गया आवास खाली करना होता था। जी हां, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये सेना के 3 अंगों के लिए लागू होगा। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक बैटल कैजुअल्टीज परिवारों के लिए सरकारी आवास में बने रहने की अवधि 3 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक ऐसे परिवारों के लिए थोड़े ही समय में आवास शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता था। रक्षा मंत्रालय ने कहा, सशस्त्र सेनाओं से जुड़ा कोई जवान शत्रु सेना से लड़ते हुए या हवाई हमले में वीरगति को प्राप्त होता है तो उसके परिजनों को सरकारी आवास में बने रहने की अवधि 3 माह की होती है, जिसे बढ़ाकर अब 1 साल कर दिया गया है। ये घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। संकटग्रस्त कॉफी चैन सीसीडी के स्वामित्व वाली कंपनी डार्क फॉरेस्ट फर्नीचर का कामकाज बंद हो गया है। वित्तीय हालत खस्ता होने की वजह से तत्काल प्रभाव से इसके चिकमंगलुरु स्थित कारखाने को बंद कर दिया गया है। डार्क फॉरेस्ट फर्नीचर कारखाने के बंद होने से इसके कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। सीसीडी के मालिक वीजी सिद्धार्थ का इस साल जुलाई में निधन हो गया था, जिसके बाद से ही कंपनी की वित्तीय हालत ठीक नहीं चल रही। अचानक आए इस फरमान से कंपनी के कर्मचारी नाराज दिखे और उन्होंने इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया। कॉफी डे ग्लोबल ऑफिस मेन गेट के बाहर इसके बारे में एक नोटिस भी लगाया गया। इस नोटिस में कहा गया है, कर्मचारियों को ये ज्ञात होगा कि 29 जुलाई 2019 को कंपनी के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ की एक दुखद परिस्थिति में मौत हो गई। स्थानीय जनता को रोजगार देने के लिए उन्होंने अपने दम पर इस कंपनी की स्थापना की थी। उनके निधन के बाद कंपनी मौजूदा प्रबंधन ने इस कारखाने को चलाते रहने का प्रयास किया, लेकिन ये बात गौर करनी होगी कि कंपनी भारी वित्तीय मुश्किल से गुजर रही है और इसके पास ऑर्डर भी नहीं है। इसलिए हम सभी कर्मचारियों को खेद के साथ ये जानकारी देना चाहते हैं कि चिकमंगलुरु के कारखाने को 25 नवंबर 2019 से बंद किया जा रहा है। इस खबर से कर्मचारी मेन गेट पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे, जो शाम तक चलता रहा। कई कर्मचारियों ने लेबर ऑफिस
डिप्टी कमिश्नर और एसपी ऑफिस में भी संपर्क किया। भारतीय दर्शकों को हिंदी सिनेमा के अलावा हॉलीवुड का कंटेंट भी काफी पसंद आता है। देसी बॉक्स ऑफिस मार्वल, डीसी और डिज्नी समेत ऐसे तमाम बैनर्स की फिल्में हैं जो कि कमाल का बिजनेस कर जाती हैं। ऐसी ही एक फिल्म है फ्रोजन 2, जो कि इस वक्त भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर रही है। फिल्म ने शुरुआती 4 दिनों में 22,74,00,000 रुपए की कमाई कर ली है। विस्तृत आंकड़ों की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन 3,25,00,000 रुपए का बिजनेस किया, लेकिन दूसरे ही दिन फिल्म की कमाई तकरीबन 2 गुनी हो गई। दूसरे दिन फिल्म ने 7,10,00,000 रुपए कमाए। तीसरे दिन भी फिल्म के बिजनेस में उछाल देखने को मिला। बिजनेस 8,65,00,000 रुपए का हुआ।